यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भिकरू कांड में अपनी फजीहत कराने के बाद भी कानपुर पुलिस ने कोई सबक नहीं लिया। कानपुर की पुलिस ने रोजाना कोई न कोई करतूत करते ही रहते हैं, जो वर्दी और उस पर किए जाने वाले भरोसे को तार तार करने में लगी है। नया मामला सचेंडी थाने के कैधा गोपालपुर चौराहे का। आपको बता दें, सचेंडी थाना क्षेत्र में ही विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ था। तो सचेंडी थाने के कैधा गोपालपुर चौराहे का, जहां पर शराब ठेके पर बैठकर शराब पीते एक पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है। तो कानपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके से शराब दुकान के बाहर बैठकर खुलेआम ये पुलिसकर्मी शराब पी रहा है। अब सवाल ये है कि अगर पुलिसकर्मी वर्दी में शराब पिएंगे, ऑन ड्यूटी शराब पिएंगे, तो कानून व्यवस्था आखिर कौन संभालेगा। लेकिन कानपुर पुलिस बीते कुछ महीनों में वो हर काम कर रही है जिससे केवल कानपुर पुलिस नहीं बल्कि पूरे महकमे की छवि खराब होती है, और वही एक तस्वीर आपके सामने। तो कानपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके से शराब दुकान के बाहर बैठकर खुलेआम ये पुलिसकर्मी शराब पी रहा है। अब सवाल ये है कि अगर पुलिसकर्मी वर्दी में शराब पिएंगे, ऑन ड्यूटी शराब पिएंगे, तो कानून व्यवस्था आखिर कौन संभालेगा। लेकिन कानपुर पुलिस बीते कुछ महीनों में वो हर काम कर रही है जिससे केवल कानपुर पुलिस नहीं बल्कि पूरे महकमे की छवि खराब होती है, और वही एक तस्वीर आपके सामने। तो कानपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके से शराब दुकान के बाहर बैठकर खुलेआम ये पुलिसकर्मी शराब पी रहा है। अब सवाल ये है कि अगर पुलिसकर्मी वर्दी में शराब पिएंगे, ऑन ड्यूटी शराब पिएंगे, तो कानून व्यवस्था आखिर कौन संभालेगा। लेकिन कानपुर पुलिस बीते कुछ महीनों में वो हर काम कर रही है जिससे केवल कानपुर पुलिस नहीं बल्कि पूरे महकमे की छवि खराब होती है, और वही एक तस्वीर आपके सामने है।